बिग बॉस सीजन 16 में ना तो एलिमिनेशंस हो रहे हैं, ना टास्क हो रहे हैं, ना ही मॉर्निंग सॉन्ग बजाया जाता है और ना ही सीक्रेट रूम का कोई चर्चा है। देखिए सीजन 13 में सिद्धार्थ और पारस फिर भी गए थे सीक्रेट रूम में और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी जनता को, जिस तरीके से शहनाज उन्हें मिस कर रही थी। और अब भी एक बार फिर से सीक्रेट रूम जनता की स्पेशल डिमांड पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जी हाँ, वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर के अंदर ये सीजन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कई सारे तरीकों से है। हालांकि ये वियर्डनेस अच्छा मानी जा रही है, अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि इसी वियर्डनेस के चलते बैक टू बैक टीआरपी जो है वो ताबड़तोड़ इंक्रीज हो रही है। हर दिन टीआरपी में इंक्रीज देखा जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इंक्रीज हो रही है टीआरपी, अब इसको 7-4 चांद और लगने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि सीक्रेट रूम अनाउंस होने जा रहा है बहुत जल्द। देखिए सोर्सेज ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि सीक्रेट रूम बनना शुरू हो चुका है साइड में, और उसी के साथ साथ कौन सीक्रेट रूम में जा सकता है इसकी आशंका क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो कौन कौन नॉमिनेटेड है, स्टैन नॉमिनेटेड है, निमृत नॉमिनेटेड है, टीना नॉमिनेटेड है और सुम्बुल नॉमिनेटेड है। अब यहाँ पर सुम्बुल का ऐसा कोई नहीं है कि उनके पीठ पीछे कोई उल्टी सीधी बात उनके बारे में करें, क्योंकि जो उनके बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं उन्हें वो ऑलरेडी जानती हैं, जो कि हैं शालीन टीना। निमृत के बारे में भी एज सच शिव साजिद या कोई भी गलत बात कहेंगे नहीं, और जो दुश्मन है वही कहेंगे, तो वो भी जानने वाली बात है। एमसी स्टैन के बारे में भी कोई कुछ बोलेगा नहीं, बट टीना का सबसे मैक्सिमम चांस है उस तरफ जाने का। क्यों? टीना दत्ता के बारे में, शालीन टीना के जाने के बाद शालीन का अटैचमेंट किससे होता है, शालीन किससे क्लोज होते हैं, शालीन किससे क्लोज नहीं होते, या फिर टीना जब अगर चली जाती हैं सीक्रेट रूम में, एलिमिनेट होती हैं घर से और सीक्रेट रूम में जाती हैं, तो फिर वो देख सकती हैं पीठ पीछे कि शालीन सुम्बुल से क्या कुछ बातें करते हैं अकेले में, शालीन सौंदर्य के साथ कैसे फ्लर्ट करते हैं, क्योंकि टीना को क्या लगता है कि शालीन कुछ नहीं करते हैं, जो भी करती हैं ये लड़कियां करती हैं। जैसे कि यू नो कॉलर ने बोला था वीकेंड कवार पर कि आपको क्या लगता है शालीन भनोट कोई शाहरुख खान है जो सब लड़कियां उनके पीछे पड़ी रहेंगी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि शालीन भनोट के पीछे सारी लड़कियां पड़ती हैं, सौंदर्य सुम्बुल सब उनके पीछे पड़ी रहती हैं, किसी को शालीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ये चीज़ बहुत एविडेंटली अब दिख जाएगी, ये चीज़ बहुत एविडेंटली अब समझ में आ जाएगी जब शालीन घर में रहेंगे, सौंदर्य घर में होंगी, सुम्बुल घर में होंगी, और कहीं ना कहीं यू नो टीना चली जाएंगी दूसरे रूम में, यानी कि सीक्रेट रूम में। सो टीना के सीक्रेट रूम में जाने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं बताइएगा जरूर।